सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सैमसंग की न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। सैमसंग ने अपना पावरफुल स्मार्टफोन का एक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी G7 नेक्स्ट। सैमसंग गैलेक्सी G7 नेक्स्ट का नया वेरिएंट 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इससे पहले सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी G7 नेक्स्ट को इंडिया में अप्रैल मंथ में 11,490 रुपीज़ में लॉन्च किया था। यह फ़ोन ऑफिशियल वेबसाइट पर सैमसंग के ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए अवेलेबल है। वहीं नए वेरिएंट को सैमसंग की इंडिया की वेबसाइट के अलावा कंपनी की ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। हालांकि कंपनी की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी G7 नेक्स्ट का 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 12,990 रुपीज़ रखी गई है। अभी यह वेरिएंट सैमसंग की ई कॉमर्स साइट पर अवेलेबल नहीं है। लिस्टिंग के बाद सोल्ड आउट का बैनर लगा है। वहीं 16GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब 10,490 रुपीज़ में सेल हो रहा है। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी G7 नेक्स्ट के पावरफुल वेरिएंट के स्पेसिफिकेशंस की। तो सैमसंग गैलेक्सी G7 नेक्स्ट में 5.5 इंच की HD सुपर अमोल्ड डिस्प्ले दी गई है और इसके साथ ही इस फोन में 1.6 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इस फोन में रैम की बेस पर हमने आपको बताई दिया 3GB रैम और 32GB वाला स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये, और इसको माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। यह फोन डुअल सिम सपोर्ट करता है और 4G वोल्टी नेटवर्क के साथ काम करेगा। फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन में एपर्चर है 1.9 और फ्लैश के साथ 30MP का रियर कैमरा। वहीं सेल्फी और वीडियो चैटिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन से 30 FPS पर 1920x1080p यानी फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इस फोन में एंड्रॉयड 7.0 नूगट दिया गया है और इस फोन की बैटरी 3000mAh की है। स्मार्टफोन में वेट 170 ग्राम है और यह स्मार्टफोन 4G वोल्टी के सपोर्ट के अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ 4.1, GPS, ग्लूनास, माइक्रो USB 2.0 और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा इस फोन में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर्स भी दिए गए हैं। तो फोन फीचर्स के हिसाब से सैमसंग ने सही लॉन्च किया है। अभी फिलहाल लिस्ट हुआ है और आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा आप इसको खरीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इस टाइप की और टेक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।